पब्लिक टीवी आपकी आवाज। आपकी सहमति होगी तभी तो ये हुआ। लेकिन जैसे सूचना मिली थी कि कुछ लोग दुर्गा पूजा के लिए परमिशन लेने के लिए गए थे, उनके साथ उन्होंने प्रयास करा तो जो मंडल के अध्यक्ष हैं हमारे लाइन पार मंडल के संजीव चौहान जी, वो उनके साथ गए थे। और परमिशन ये सरकार के ऊपर है या थाना अध्यक्ष के ऊपर आता है कि आप परमिशन दें या ना दें। जिस तरीके से हमें मालूम है 144 धारा मुरादाबाद में लगी हुई है, तो शायद ये परमिशन नहीं मिलती। लेकिन आप उन्हें ये समझा के या कह के भी वो कर सकते थे कि भाई परमिशन हम लोग नहीं दे सकते, लेकिन इसके अन्यथा जाकर उनके ऊपर उन्हें मुचलकों में पाबंद किया गया, ये गलत है। तो हमारी मतलब स्थिति अगर बेहतर यही हो सकती थी कि हम लोग जो है उन्हें समझा सकते थे। अब स्थिति ये आ रही है कि सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के कई मोर्चों के लोग यहाँ पे पुलिस थाने में यहाँ पे मौजूद हैं और इंस्पेक्टर साहब से बात करी गई है, वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इसका कंक्लूजन नहीं निकला है कि उन्हें जो है इस उससे जो मुक्त किया जाए। तो यही प्रयास है कि इसे जो है जो मुचलके भरे गए हैं इन्हें वापस लिया जाए, क्योंकि इन्होंने किसी ने भी कोई ऐसे अपराध नहीं किया है। ये जो है एक जन उसमें है कि अगर कोई चीज़ पूजा या किसी चीज़ से भी रिलेटेड है तो हम ये पूछ सकते हैं, हमें परमिशन ले सकते हैं कि हमें पूजा अर्चना करनी है। वो बात आपकी है कि आप उसकी परमिशन दें या ना दें। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।